मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छी हो गई यार। मस्त चल रहा है आजकल तो, और अब जा रहे हैं काम पे। तो देखो अभी रेडी होके निकला, थोड़ा सा आज देखेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी आने का। और जल्दी निकल गए तो जल्दी पहुँच जाएंगे, नहीं तो बहुत लेट हो जा रहा है। ऐसा हुआ सिचुएशन के मतलब क्या बताऊँ, लेट हो जाता है कभी कभी तो ऐसा ही है, तो उसको अवॉइड करना है कैसे भी। और देखते हैं आज कितनी जल्दी फ्री होते हैं, जितनी जल्दी फ्री हुए फिर वहाँ से आएंगे। तो गाइज, आप लोग का सपोर्ट जितना मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखो और जितना हो सके मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए। आप लोग देखो यार, ऐसा है कि मैं तो हर दिन टाइमिंग से अपना ब्लॉग डालता हूँ, आप लोगों को पता ही है, और आप लोग देखते भी हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके मतलब आपके ऊपर है, आप जितना हो सके शेयर करो। शेयर करोगे तो अच्छा ही रहेगा, तो सपोर्ट आप लोगों का मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग। फिलहाल तो मैं रास्ते में हूँ, पता नहीं है जाम मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी देखते हैं आगे क्या है, जैसा होगा पता चल ही जाएगा। लेकिन रास्ते में जाम मिलता है यार आजकल तो, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है इसमें, तो उसके चक्कर में जाम मिल जाता है। अब उससे बचने के लिए तो कोई और उपाय है नहीं, क्या कर सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पे बैकग्राउंड में, यहाँ पे खाली कॉफ़ी शॉप है, देख रहे हो ये वाला, देखे हो गए। अभी ऐसा हुआ कि अभी निकला हूँ मैं, और अब तो देखो इतना ट्रैफिक जाम है, क्या बताऊँ यार, पता नहीं यहाँ पे क्यों जाम लगा रहता है, हर दिन का है ये, तो रोज का ड्रामा नहीं हो जाता है वैसा है। कोई बात नहीं, अभी निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं कितनी जल्दी पहुंच पाते हैं घर को। बाल देखो कैसे बढ़ गया, तो कटाना भी है तो ये तो डेंजर, क्या करे यार। अभी कितनी देर में घर पहुंचते हैं पता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब काम होता है उस समय का तो पता ही नहीं चलता कब रात हो गई, कब मतलब जाना था जल्दी, तब भी 9:00 9:30 हो गया है मुझे। तो अभी घर पहुंचेंगे एक बार और देखिए क्या क्या काम है, कितनी देर पहुंच पाते हैं वो भी देखना है। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सोच किया वो होता ही नहीं, क्योंकि देखाता हूँ अभी क्या हुआ है बाहर। देखो ये वो रखा है अभी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, जाम जुम में फंस गया था थोड़ा सा तो उसमें भी लेट हुआ। और अभी जाएंगे घर तत्काल, तो आज सुबह पता नहीं क्यों ये पूरा जाम लगा हुआ था यहाँ पे, ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है शायद यहाँ भी, इस चक्कर में हुआ होगा। तो अभी गैस पेट्रोल भी कम हो गया गाड़ी में, तो वो भी लेना है, तो पेट्रोल लेते हैं फिर निकलेंगे। तो पेट्रोल लेना तो इस गाड़ी की माइलेज यार बहुत कम है, मैं तो यही सोचता हूँ यार क्या करूँ माइलेज का, और इतनी कम माइलेज में गाड़ी चलाना भी टफ है। तो अब क्या करें, हर दिन का है अपना तो 10 की माइलेज देती है और हर तीसरे चौथे दिन मुझे तेल लेना पड़ता है इसको, क्योंकि मेरी ड्राइविंग भी ज़्यादा है थोड़ा, तो क्या करें जाना आना इधर उधर रहता है तो इसलिए इतना हो जाता है, नहीं तो और कोई ये रीज़न नहीं है। जो लोग गुड़गांव में रहते हैं वो जानते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, दिन में भी ट्रैफिक जाम, रात को भी ट्रैफिक जाम, और बहुत मुश्किल होता है यहाँ से निकल के जाना, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप कितनी जल्दी निकलते हो यहाँ से और पहुँचते हो घर को, क्योंकि वही डिपेंड करता है आप मतलब उस टाइम उसी पे डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी निकलोगे उतनी जल्दी आप पहुंच जाओगे और कुछ। देखो गाइस आज यहाँ लाइट है
कल एकदम लाइट नहीं थी, पता नहीं क्यों, बारिश के दिनों में कुछ दिक्कत हो गई होगी, तो होते रहता है ऐसा। तो और गाइस, बिग बॉस में पूरा तामझाम लगा हुआ है, पता नहीं कौन जीतेगा क्या होगा, क्योंकि बिग बॉस वाले गेम भी बहुत मैनिपुलेट करके खिलाते हैं। मतलब उनका ऐसा रहता है कि जो हार रहे होते हैं उनको जीतने वाले के साथ लगा देते हैं, तो कुछ ऐसे वैसे करते रहते हैं वो। और मतलब कि कुछ है उस गेम का कि ऐसा वैसा करके किसी को जिता दो, किसी को हरा दो, ये तो समझ में आने लगा है कि भाई कुछ तो करते हैं ये ऐसे। क्योंकि जो आदमी जानता है मतलब कि कौन बंदा है, किसको कितना वोट पड़ता है, क्योंकि जो ट्रैक करोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी अभिषेक मदान और एलविश यादव, ये सारे बंदे जो हैं, एक मतलब इनको अच्छा वोट पड़ता है और बाकी लोगों को कम, लेकिन उनको ऊपर रखने के लिए इनकी टीम बना दी है। और पता नहीं, लेकिन जीतेगा तो मुझे 99% यकीन है कि एलविश यादव को ही ज़्यादा वोट पड़ते हैं और वही जीतेगा। बट अगर बीच में कुछ इधर उधर किए तो पता नहीं कौन जीत जाए। तो ये गेम है और कुछ करते हैं अजीबोगरीब तरह के, पता नहीं क्या करें, लेकिन फ़िलहाल तो सिस्टम बना हुआ है, तो पूरा सिस्टम बना हुआ है बिग बॉस हाउस में। पेट्रोल ले लिए, अब एक बार हवा भी ले लिए यार गाड़ी में, पता नहीं क्या लफड़ा है, इतना सारा क्यू लगा रहता है, क्या करें, लेना तो है। ये लड़का सो गया है, क्या कर रहा है बाबू, इधर देख, मिठाई खाएगा, अरे वाह, उठ जाओ उठ जाओ, उठो, उठ के बैठो, उठ के बैठो, मिठाई खिलाएंगे, उठ के बैठो। अरे लड़का वाह, सो के उठ गया, गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।